नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट को आईटी डिपार्टमेंट की ऑर्डर की कॉपी सौंप दी है, जिससे राहुल और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट को इनकम टैक्स की रिपोर्ट सौंपी और दावा किया कि राहुल और सोनिया समेत कई लोगों पर मामले में धोखाधड़ी साबित होती है। 105 पन्नों की इस रिपोर्ट में नेशनल हेराल्ड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और यंग इंडियन पर 414 करोड़ जुर्माने का जिक्र भी किया गया है। इनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो चार्जेस सबसिद हो गए, अब तो कुछ नहीं रहा, तो मार्च 17 को आकर क्या बोलेंगे ये? स्वामी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह के सामने कहा, आयकर विभाग ने मामले में उनकी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद गांधी परिवार, यंग इंडियन कंपनी और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। अदालत ने आयकर विभाग के दस्तावेजों को अगले आदेशों तक सील कवर में रखने का निर्देश दिया।